हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको 21 साल पुराना कैमरा दिखाने वाला हूँ। इसमें कौन कौन से बटन है, क्या इनका यूज होता है, अगर आप फोटो क्लिक करोगे यहाँ से आपको कैसा व्यू दिखाई देता है, इसके फ्लैश लाइट कैसे चलती है, कैसे इसको ओपन किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है, वो चीज मैं आपको दिखाने रहा हूँ। और कैसे इसमें नेगेटिव वगैरह लगाते हैं, ये पिक्चर वगैरह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, है ना, सब चीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो अपने वीडियो के लास्ट तक चले, तो वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इस कैमरे को आप सामने से देख सकते हैं, कुछ ऐसा मॉडल है ना, देख सकते हैं कुछ ऐसा सामने से, काफी पुराना हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी जंग सी मतलब फंगस सी लगती है यहाँ पे, देख सकते हैं। और कुछ इधर से कुछ ऐसे दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, और इधर से कुछ ऐसा है, और बैक साइड से कुछ ऐसा है ना, और ये पकड़ने के लिए दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसको पकड़ने के लिए दिया गया। और साइड से कुछ ऐसा है ना, इस साइड से कुछ ऐसा। अब मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ कि इसके बटन क्या यूजेबल है ना, और ये कैसे खुलता है, कैसे सेल कहाँ लगते हैं, और नेगेटिव जो रील होती है वो कहाँ पे लगाई जाती है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो यहाँ से हम जो व्यू देखते हैं वो है ये, है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास, है ना, जिस चीज़ का मैं फोटो क्लिक करना है व्यू देखने के लिए, है ना। जब हम फोटो क्लिक करते हैं तभी लाइट जल जाती है ना, ये बटन दिया गया कुछ क्लिक करने के लिए, है ना, ये फौजी वाला बटन हमारा फोटो क्लिक करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहे होंगे, है ना, कितने फोटो खींच चुके हैं ये, वो नंबर लिख रहे हैं ना, 1 2 3 ऐसे, है ना। नहीं, कुछ और दिखाते हैं यहाँ पर, अब मैं सामने से बताता हूँ आपको, है ना, है ना। जब आप फोटो क्लिक करें तो लाइट जलती है, चेहरे के ऊपर लाइट आती है, कैमरे को उठा देता है सामने से, जिससे कि हमारा कैमरा गंदा नहीं हो। ये हमारा कैमरा अंदर देख सकते हैं, मैं आपको और पास दिखाता हूँ, जो हमारा कैमरा अंदर से है ना, इसको मैं तो बंद भी कर सकते, तो खोल भी सकते हैं सामने से, कुछ ऐसे दिखाई देता है, इसकी जो लाइट है कुछ ऐसी है ना, ये बहुत ही सुंदर है देखने में, है ना। और किस कंपनी किसी ब्रांड का वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यासिका मीमो 2 सेल्फ टाइमर के नाम से, है ना, देख सकते हैं, लेंस RM मेड इन जापान लिख रही है। आप यहाँ पर मैं जो भी यूजेज है वो आपको बता दी, साइड में कुछ है नहीं देखने में, इस साइड में भी कुछ है नहीं देखने के लिए, यहाँ पे जो खोलने के लिए कैमरे को यहाँ पे खोल सकते हैं इसको हम, और इस साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं, इस साइड से आप सेल्फ डाल सकते हैं, इसको हम इधर खोल सकते हैं, बड़े वाले सेल डाल जाते हैं, 2 यहाँ पे सेल डाल, मैंने डाल के चेक कर लिए, फिर मैंने जो अंदर की जो मशीनरी है वो ख़राब हो चुकी है ना। ये बटन कुछ ऑन ऑफ करने के लिए, जैसा कैमरा ऑन करने के लिए हो सकता है ये बटन हमारा, या इसे लॉक करने के लिए भी हो सकता है, ऐसे लॉक कर देगा अगर हुआ नहीं। अब मैं आपको ये पीछे दिखाने वाला हूँ, जिसको इस बटन आप दबाएंगे ना तो इसको आप आराम से खोल सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं। अंदर से कुछ ऐसे मैकेनिज्म दिए गए हैं, यहाँ पर आपकी नेगेटिव जो रील है वो रखी जाती है ना, मैं आपको इमेज भी दिखा दूँगा, बीट दिखा दूँगा, सामने आप दे सकते हैं, कुछ ऐसी रील यहाँ पर डाली जाती है, उसको हम लगाकर इसमें फिट कर देते हैं इस पर, है ना। जब फोटो क्लिक होते हैं, जब हमारे यहाँ पर इमेज क्रिएट हो जाती है, तो अंदर से कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, अंदर से कुछ ऐसा दिया गया है ना, 21 साल पुराना एक कैमरा, जब मेरे पापा ने लिया था, 21 साल पहले लिया था ये कैमरा, तो उस समय मतलब काफ़ी कम फोटो खींचे थे इसे, है ना, पापा ने संभाल के रखा ये कैमरा काफ़ी सालों से। तो ये तो कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग थी इसकी, आपने देख ली होगी, है ना। अब मैं इसकी नेगेटिव आपको दिखाता हूँ, ये इसकी नेगेटिव है ना, इसमें फोटो है, इसमें मेरा खुद का फोटो है, मेरा बचपन का फोटो है, ये ख़राब हो चुकी है कुछ नेगेटिव, है ना, इसको साइड में रखता हूँ। इसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं जी, मैं आपको लाइटिंग दिखाता हूँ जी, कुछ फ़ोटोज़ हैं, है ना, इसमें कुछ फ़ोटोज़, इसमें फ़ोटोज़ हैं, है ना, इसमें फ़ोटोज़ हैं, इसमें फ़ोटोज़ हैं, इसमें ये कुछ नेगेटिव है, इसमें मैं अपना फ़ोटो दिखाता हूँ आपको भी लाइटिंग ले जाके। देखो जी, है ना, ये मेरा बचपन का फ़ोटो, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, है ना, ये मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, है ना, ये बैठी हुई हैं। तो दोस्तों, आपने इसमें नेगेटिव में मेरा फ़ोटो देख लिया, कैसा था मेरा फ़ोटो, है ना, ये नेगेटिव में आपने मेरा फ़ोटो देख लिया। तो इसका ये बॉक्स है, मैं आपको बॉक्स दिखाने वाला हूँ, ये इसे पाउच में हम रख देते हैं, जैसे लेदर का बना हुआ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, है ना, यासिका इस पर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, और इसको हम अंदर रख लेते हैं, अंदर रखने काफ़ी सेफ है ये, काफ़ी अच्छा है दिया गया कवर, है ना, तो इसके अंदर रखा हुआ था, ऐसे रख के बंद कर देते हैं इसको, है ना, तो ऐसे ये बंद कर रखा हुआ था ना इसके अंदर, इसको आप अपने बेल्ट में भी लगा सकते हैं। और ये कुछ ऐसा इसका बॉक्स था पुराना, काफ़ी पुराना, दे सकते हैं आप इसका बॉक्स ये, है ना, के बारे में जो भी डिटेल चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं ना, जो भी डिटेल्स के बारे में वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं साइड से, है ना, पीछे से कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है ना, तो ये इसका बॉक्स, इसके अंदर ये रखा हुआ था, ये 21 साल पुराना कैमरा। ये ऐसे अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको एंड स्क्रीन में देखने के लिए मिल रही है, क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह, कोई क्वेश्चंस वगैरह, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।